शाहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने शनिवार को फर्जी क्राइम ब्रांच व पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से धन उगाही करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया, जो लोगों को क्राइम ब्रांच और पुलिस बनकर धौंस जमाते थे और धन उगाही करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में मिराज अहमद पुत्र वसीउल्ला खान निवासी गगोली थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर, मनीष वर्मा पुत्र सत्यानंद वर्मा निवासी सर्वोदय नगर बिछिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर तथा राहुल गौड़ पुत्र राजकिशोर गौड़ निवास आदाद नगर बिछिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर शामिल है। इसके पास से पुलिस ने अवैध पुलिस की वर्दी, उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच, सीटी डोरी, उत्तर प्रदेश पुलिस का मोनोग्राम लगा हुआ टोपी, एक मिलिट्री कलर की पैंट, वाकी टाकी व चार्जर, फर्जी नियुक्ति पत्र, पुलिस अधीक्षक स्थापना कार्मिक की एक मोहर, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई विभागों के फॉर्म बरामद किए। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा व सीओ क्राइम परवीर सिंह ने बताया। छोटे मोटे नहीं है, गांव गांव में वो करते हैं, अरे बेचते हैं जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं। चल रही है जो की उनके भी नाम पर धोखाधड़ी कर रही है, सीआईबी नाम की भी एक संस्था के बारे में हम उसकी भी जांच कर रहे हैं, कहीं मतलब उसके आड़ में तो इस तरह की चीजें नहीं हो रही। एक व्यक्ति का कहना है कि वो सीआईबी का भी सदस्य रहा है, किस प्रकार से लोगों को अपने मतलब इनरोल कर रहे हैं और उनके बारे में जांच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि सीआईबी का आई कार्ड दिखाओ कि हम वहाँ के टोल टैक्स वगैरह यहाँ से लखनऊ आने जाने में हमारा कहीं बच जाया करता था, तो अभी इन चीज़ों को भी संज्ञान में लिया जाए। भैया किसी को भी डरा धमका के या कोई ऐसे कई बार जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो कि इस प्रकार से तमाम चीज़ें हैं कि बहुत लोग इतने से छूट के आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये एक प्रकार की शिकायत आ रही थी। अब इसके बारे में अभी कोई नहीं। ये क्राइम ब्रांच के नाम से और ये फर्जी पुलिस वाले फर्जी नियुक्ति पत्र के माध्यम से लोगों को नियुक्ति पत्र देना, ऐसे गोरख धंधा करने वाले तीन अभी गिरफ्तार हुए हैं थाना शाहपुर क्षेत्र से, और उसमें इनके दो साथी और थे, वो भागने में सफल हुए हैं। इनके घर में मुखबिर के सूचना के अनुसार इनके घर में दबिश दी गई, तो भारी मात्रा में जो पुलिस की वर्दी है साथ में सिटी डोरी बैच और ट्राउज़र, इनके फर्जी पुलिस होने के काफ़ी ये साक्ष्य मिले हैं। एक सक्रिय गिरोह एक इनका है और इस प्रकार की सूचना पहले से हम लोग को मिल रही थी और वीर के द्वारा भी सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लड़के हैं जो बिछिया क्षेत्र में खासकर वहाँ उन लोगों ने कोई अपना एक किराए का कमरा वगैरह को ले रखा है और वो लोगों को जी के झांसे में देकर और मतलब एक प्रकार का धन उगाही का भी कार्य कर रहे हैं, जिससे कि क्राइम ब्रांच और यहाँ की लोकल पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। उसी के क्रम में जब वहाँ दबिश दी गई तो एक उनको साइकिल भी प्राप्त हुई है, आप देख सकते हैं वर्दी है, बैच है उत्तर प्रदेश पुलिस का, और इनके जो व्हाट्सएप के जो नंबर है उन पर भी कुछ फोटोज इस प्रकार से आपत्तिजनक हमको मिली। इसके साथ साथ जो मुख्य बात यह है कि अरे पुलिस अधीक्षक कार्मिक साहब का भी मोहर भी मिला है, जिसको ये मतलब गलत इस्तेमाल करके ये नियुक्ति पत्र वगैरह भी दिया करते थे। साथ ही साथ ये देखिए एक आपको वॉकी टॉकी भी इनके पास मिला है, जो ये अरे सादे कपड़ों में इस्तेमाल करके क्राइम ब्रांच के सिपाही बन जाया करते थे और जो नए लड़के हैं बाहर हैं या जो उनको भी डरा धमका के और इस प्रकार से मतलब पैसे भी रखते थे। नहीं अभी तो कोई मतलब असलाह इस प्रकार से इनके यहाँ से अरे प्राप्त नहीं हुआ है। कुल मिला के ठीक है तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और तीन लोगों की गिरफ्तारी में अभी जो चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त है प्रतीक मिश्रा और एक उसका साथी है रुस्तम, ये दोनों मौके से फरार हुए हैं, ये मिराज राहुल और एक इनका मतलब और साथी मनीष वर्मा इसमें आपके सामने गिरफ्तार हो चुका है। ठगी का कोई मामला? ठगी का भी अभी तो मतलब शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो भी शिकायतें मिलेंगी उनका संज्ञान लिया जाएगा। अभी तो ये है कि धन उगाही की बात प्रकाश में आई है और जिस संगत धाराओं में मुकदमा लिख के अभी और आगे कितने लोग शामिल हैं अभी तो कुल मतलब ये आप मान के चलिए तीन की गिरफ्तारी हुई है, दो लोग प्रकाश में आए हैं जो कि मौके से फरार हुए थे, उनका नाम तो कुल मिला के पाँच तो अभी मिनिमम उनका नाम आ रहा है। सभी करते होंगे लेकिन अभी जो हमें चीज़ें मिली हैं उसमें उनको पहले पुलिस विभाग का एक मोहर और इस प्रकार की चीज़ें संज्ञान में आई है। अब जब इनका फिर मुख्य आदमी पकड़ा जाएगा तो चीज़ें और भी स्पष्ट होंगी। बिछिया क्षेत्र में था कारोबार की पूरा जनपद में आकर बिछिया तो ठीक रहते थे, बिछिया से भी गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा क्या इनका कार्य क्षेत्र उन्होंने बना रखा था फर्जी, ये चीज़ें अभी जाँच और विवेचना के क्रम में और स्पष्ट हो जाएंगे। नाम गाने वाले हैं
ये आपके ठीक है, अरे मिराज कुशीनगर का है और बाकी दो लोग शाहपुर के रहने वाले हैं, जबकि जो फरार व्यक्ति है वो अरे खलीलाबाद और गुलरिया क्षेत्र के रहने वाले दो लोग।